नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाइडेंस इन काउंसलिंग का क्वेश्चन पेपर ऑफ ईयर 2020-22। सो देखिए, ये क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से। और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं इसका सॉल्व PDF, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, विच इज़ अ पेड PDF। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको गाइडेंस इन काउंसलिंग के अदर प्रीवियस ईयर पेपर्स भी वहाँ से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस? डिस्कस द वेरियस स्टेप्स सॉरी टाइप्स ऑफ गाइडेंस विद गिविंग एग्जाम्पल्स। चॉइस में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल कल्चरल फाउंडेशन ऑफ गाइडेंस। बी पार्ट इज, व्हाट इज काउंसलिंग? एक्सप्लेन द नीड ऑफ काउंसलर फॉर पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्विंग विद सुटेबल एग्जाम्पल। और व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग? डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सी पार्ट, डिस्कस क्वालिटीज ऑफ अ टीचर एज अ काउंसलर। अदरवाइज चॉइस में एक क्वेश्चन है, आप ये भी कर सकते हैं, राइट द वेरियस फैक्टर्स इन काउंसलिंग। डी पार्ट, हाउ विल यू यूज जॉब एनालिसिस एंड सर्वे मेथड फॉर गैदरिंग डाटा, गिव एग्जाम्पल और एलाबोरेट द मीनिंग नीड एंड सोर्सेज ऑफ करियर इन्फॉर्मेशन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ए इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस और सोशोमेट्रिक टेक्निक। बी इज कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ काउंसलिंग। सी पार्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स और रोल ऑफ काउंसलर इन डेवलपिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट। डी पार्ट, बेनिफिट्स ऑफ करियर टॉक और सोर्सेज ऑफ करियर इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट काइंड ऑफ गाइडेंस सर्विसेज डज द काउंसलर परफॉर्म व्हेन ही और शी ऑर्गेनाइजेस जॉब फेयर। क्वेश्चन नंबर 2, चिल्ड्रन विद हाई IQ एंड मेंटल एबिलिटीज आर कॉल्ड डैश। थर्ड इज, इन द काउंसलिंग द मेन एम ऑफ काउंसलर इज टू क्रिएट एन एटमोसफेयर इन विच द क्लाइंट कैन वर्क आउट हिज प्रॉब्लम। फोर्थ इज रेमेडियल टीचिंग इज रिलेटेड टू डैश। फिफ्थ इज, इफ योर स्टूडेंट सीक्स हेल्प फ्रॉम यू दैट इज डैश। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वन केस इज गिवन एंड यू हैव टू लाइक आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड जस्ट आफ्टर दिस केस। Mrs. Namita is a class teacher of 9th standard. She observed lot of behavioral changes among her students. In the parents meeting also, some parents expressed their worry that they experienced that children are becoming rebellious. Some parents expressed that these days children are not serious about studies. It seems they are having some burden or issue. It is an expectation of parents that the school should take initiative to understand and resolve problems of these students. So, question number 1 is, generally which problem are faced by adolescents? And second is, how does various issues of adolescents can be resolved through counseling? Illustrate. So, this is question number 4. So this was the question paper of year 2020-22. See, it's very important for all the students like to do at least previous 5 year papers, 3 to 5 year papers, right? So that like it will give you a good practice for the exam, and also from last 5 years you will see your maximum questions will get repeated. So must do in this way for every subject, and apart from it, other subjects like peace, education, sustainable development, etc. are also like there in choice with guidance and counseling. So for that also I have uploaded the previous year papers, so must check out those videos as well. For this video, that's it. We will hope to meet you in next video very soon. If you have any query, please drop in the comment section. If you are new to the channel, do subscribe to our YouTube channel. And also, if like this video has helped you in any way, then please like it. Thank you. Have a good day.